हेलो फ्रेंड्स, हैशटैग क्रिकेट हार्दिक पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि 18 फेब के आसपास आईपीएल का ऑक्शन होने वाला है, तो फ्रेंड्स उस ऑक्शन में जितने प्लेयर्स होंगे उन सभी प्लेयर्स की लिस्ट हमारे पास आ गई है। तो फ्रेंड्स चलिए एक एक करके सभी प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं। और फ्रेंड्स हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस टीम के पास कितना पर्स बैलेंस बचा है, और हम बात करेंगे कि किस टीम के पास कितने स्लॉट्स बचे, कितने प्लेयर्स की जगह बची है ताकि वो अपने और प्लेयर्स अपनी टीम में ला सके। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए क्रिकेट सार्थक को, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट और आईपीएल 2021 के सभी अपडेट सबसे पहले पा सके। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस टीम के पास कितना पर्स बैलेंस है, किस टीम के पास कितने प्लेयर्स की जगह बाकी है। तो सबसे पहले मुंबई इंडियंस की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको नजर आएगा कि मुंबई इंडियंस के पास 15.35 करोड़ रुपीस का पर्स बैलेंस बचा है। मुंबई इंडियंस के पास टोटल 7 प्लेयर्स की जगह है, और उनमें से मुंबई इंडियंस की टीम 4 ओवरसीज प्लेयर्स भी खरीद सकती है। सो फ्रेंड्स ये बात हो गई मुंबई इंडियंस की। वहीं अगर हम किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें तो वहाँ पर आपको नजर आएगा इनके पास 53.2 करोड़ का इनका पर्स बैलेंस है, और इनके पास टोटल 9 प्लेयर्स की जगह बाकी है, और उनमें से 5 प्लेयर्स ओवरसीज प्लेयर्स होने वाले हैं। फ्रेंड्स वहीं अगर हम चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो आपको वहाँ पर नजर आएगा चेन्नई सुपर किंग्स के पास 19.9 करोड़ रुपीज़ है, उनके पास टोटल 6 स्लॉट्स बाकी है, उनके पास टोटल 6 प्लेयर्स की जगह है, और उन 6 प्लेयर्स में से एक ओवरसीज प्लेयर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम अगली टीम की ओर चलते हैं, तो वहाँ पर आपको आरसीबी का नाम नजर आएगा, विराट कोहली की टीम, जहाँ पे आपको नजर आएगा कि इनके पास 35.9 करोड़ रुपीज़ का पर्स बैलेंस बचा है, और इनके पास टोटल 12 प्लेयर्स लेने की जगह है, और उन 12 प्लेयर्स में से 3 प्लेयर्स से ओवरसीज प्लेयर्स भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर अगली टीम की ओर चले तो वहाँ पर आपको दिल्ली कैपिटल्स का नाम नजर आएगा, जिसके कैप्टन श्रेयस अय्यर है। वहाँ पर आपको नजर आएगा कि इनके पास 12.9 करोड़ का पर्स बैलेंस बचा है, और ये टोटल 5 प्लेयर्स को बाय कर सकते हैं ऑक्शन में, और उन 5 प्लेयर्स में से 2 प्लेयर्स ओवरसीज प्लेयर्स भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स वहीं अगर हम अगली टीम की ओर चलते हैं, वहाँ पर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम नजर आएगा, केकेआर का, जिसके कैप्टन ऑयन मॉर्गन है। उनके पास 10.75 करोड़ रुपीज का पर्स बैलेंस है, और वो टोटल 7 प्लेयर्स खरीद सकते हैं, और उन 7 प्लेयर्स में से 1 प्लेयर ओवरसीज प्लेयर भी हो सकता है। फ्रेंड्स अगर एसआरएच की बात करें तो वहाँ पर आपको नजर आएगा इनके पास भी 10.75 करोड़ रुपीज़ का पर्स बैलेंस है, और ये टोटल 3 प्लेयर्स खरीद सकते हैं, और उन 3 प्लेयर्स में से 1 प्लेयर ओवरसीज हो सकते हैं इनके। फ्रेंड्स अगली टीम की ओर चले तो वहाँ पर आपको आरआर का नाम नजर आएगा, राजस्थान रॉयल्स का, इसकी कैप्टनसी इस साल संजू सैमसन करने वाला है। फ्रेंड्स अगर इनकी बात करें तो वहाँ पर आपको नजर आएगा इनके पास टोटल 37.85 करोड़ रुपीज़ है, इनके पास टोटल 9 स्लॉट्स बाकी है, टोटल ये 9 प्लेयर्स को खरीद सकता है, और उन 9 प्लेयर्स में से 3 प्लेयर्स से फॉरेन प्लेयर्स को भी खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बात हो गई कि किस टीम के पास कितने पैसे और वो कितने प्लेयर्स को खरीद सकते हैं आईपीएल 2021 के ऑक्शन में। तो फ्रेंड्स अब नजर डालते हैं कि आईपीएल 2021 के ऑक्शन में कितने प्लेयर्स पार्ट लेने वाले, कितने प्लेयर्स पर बिड लगने वाली है। सो फ्रेंड्स आपको वहाँ पर नजर आएंगे टोटल 53 प्लेयर्स होंगे जो आईपीएल 2021 के ऑक्शन में होने वाला है। फ्रेंड्स अगर आपको उन प्लेयर्स के नाम जानने हो तो प्लीज मेरे अगली वीडियो देखिए, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो देखनी है तो वहां जाके आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बाय फ्रेंड्स।